यूपी के हाथरस जिले के थाना हसायन के गांव हैदलपुर में दो भाइयों के बीच घर के बंटवारे को लेकर चल रहे आपसी विवाद में बीती रात जेठानी ने अपनी देवरानी किरण देवी, उसकी 5 वर्षीय बहन राधा और उसके 8 महीने के बच्चे श्यामू पर सोते समय एसिड अटैक किया। एसिड से झुलसे तीनों को इलाज के लिए हाथरस के जिला चिकित्सालय में लाया गया और प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। क्या नाम है आपका? राजू। ये जो तेजाब डाला है ये किसने डाला है, क्यों डाला है? ये तीनों लोगों के ऊपर डाल रही है। रात में 11 बजे झगड़ा हो गया था, इसलिए डाल दिया। किस बात का झगड़ा था? बंटवारे के पीछे झगड़ा हुआ। किन किन लोगों में बंटवारे का? ये लड़के का पिताजी और मतलब दोनों भाई भाई है। अच्छा, फिर रात में डाल दिया 11 बजे। किन किन लोगों पे डाला है? ये बच्चा इसकी माँ पे डाला है और इसकी मौसी पे और इसकी। तीन लोगों पे? हाँ, तीन लोगों पे। कितनी जमीन का बंटवारा है या प्लॉट का है या खेत का, किस चीज़ मतलब? ये घर के पीछे बंटवारा है। इन भाई भाइयों के बंटवारे के पीछे झगड़ा हो गया दो एक दिन में। उसके बाद जिन लोग अपने अपने काम पे चले गए, कल मौका पाते ही शाम को जो बच्चे लेटे हुए हैं 11:30 बजे करीब बेड में, और जो भाई है उनकी मैडम ने उनके ऊपर एसिड डाल दिया। कितने लोग घायल हुए? तीन लोग घायल हुए, माँ बेटे उसकी बहन। मतलब किस चीज़ का झगड़ा था? थोड़ा मकान के पीछे कुछ बंटवारा है। पारिवारिक विवाद में जेठाने ने अपने देवरानी पर रात में तेजाब फेंक दिया, जिसमें देवरानी के पास बच्चा सो रहा था 9 महीने का, वो 20% जल गया है, झुलस गया। औरत है ये भी, इसे भी माइनर इंजरी है बहुत, और जेठानी को गिरफ्तार कर लिया गया है, कार्रवाई की जा रही है। कुल कितने लोग हैं? तीन लोग घर से हैं सर? हाँ, ये एक बच्ची और सो रही थी उसके पास, जो उसकी बहन 6 साल की जी, उसकी बहुत माइनर इंजरी है। वजह क्या रही सर? पारिवारिक विवाद था। किस तरह का सर? ज्यादा नहीं बताया जा सकता।